सुबह 6:30 बजे का समय है और देखो खेत और खेत चारों तरफ। अगर ऐसा दिन देखने को मिले तो सुबह उठने को किसका मन ना चाहे। जब से मैं गांव में आया हूँ तब से मुझे नींद ही नहीं आ रही है। वो भी पहुँच रहे हैं मेरे जीजू के घर पे। चलो दिखाता हूँ आपको उनका घर। अरे अरे अरे, आप सब इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये है जीजू का घर और पहुंच गए हैं यहाँ पर। अभी सब तैयार हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग रिम्पी। तो ये हमारी सवारी आ रखी है। चलो कौन ट्रेन? वंदे भारत। वंदे भारत। अच्छा, वंदे भारत। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू निपुण मंडल ब्लॉग्स। और आप सब कैसे हैं? और देखा अभी आपने जो ट्रेन गई कितनी फास्ट थी। वंदे भारत है ये ट्रेन और अभी ये जा रही थी दार्जिलिंग। ट्रेन जाते जाते एकदम तगड़े वाली हवा देगी। तो चलो आज का सफ़र स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको आज के मूवमेंट्स। और कल हम तारकेश्वर गए थे और आज जहाँ जाने वाले हैं मैं बताऊँगा नहीं आपको। तो चलो आगे बने रहो, दिखाता हूँ मैं आपको आज कहाँ जा रहे हैं। इतना सस्पेंस में रखना भी ज़रूरी नहीं है। तो आज जो हम जा रहे हैं वह दक्षिणेश्वर। संस्कृत वर्ड है ये, थोड़ा बोलने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि यार पता ही आपको, सिखाते ही नहीं है यार हमें संस्कृत वर्ड। तो आज जा रहे हैं हम चाचा स्टेशन से दक्षिणेश्वर तक। वहाँ तक का सफ़र रहेगा हमारा। और बाकी हमारे साथ जा रही है हमारी छोटी सी फैमिली, मतलब जो जीजू है वो, दीदी और मेरे भांजा और मेरी भांजी एंड डैडी। और जीजू के जो जीजू है वो भी जा रहे हैं और उनकी फैमिली भी जा रही है। और बाकी यहाँ पे जीजू के एक फ्रेंड है जो कि मुझे यहाँ पर लेके आए हैं सुबह सुबह। और मतलब वो टिकट वगैरह काटने जा रहे हैं हम, तो जल्दी जल्दी आ गए यहाँ पे। तो मिली है जगदीश जी से। हाँ जी, हेलो तो कर दो पीछे देख के। हेलो। तो अभी जा रहे हैं हम जल्दी जल्दी टिकट काटने। टिकट काट के चलो मिलते हैं आपको सीधा ट्रेन के अंदर। सारी टीम पहुंच चुकी है, सारे पहुंच चुके हैं। अब टाइम भी हो गया ट्रेन आने का, तो ट्रेन का वेट किया जा रहा है। चेहरे पे मत जाना मेरे, सो के उठ के आया हूँ मैं। सीधा वहाँ पे गंगा घाट में नहाऊंगा आज। थोड़ा बहुत चेंज करता हूँ, थोड़ा थोड़ा मुंह धो लेता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे पता है। ये देखो एक तरह का फल है ये भी। की नाम इधर बॉकफुल, बॉकफुल। सोचा स्टेशन पे मुंह धो लूँ, थोड़ा साफ कर लूँ। क्या है ना, सुबह 5:30 बजे निकल रहे हैं तो फिर मुझे जल्दी जल्दी कहीं और आना पड़ा इसीलिए। बाकी एक बिसलरी लेते हैं, बिसलरी से धोते हैं मुँह। रेलवे स्टेशन वालों पे केस ठोक दो, एक घंटा लेट आ रही है ट्रेन। हाँ, किस पे? फॉग पे? नहीं, फॉग कम है फिर भी लेट आ रही है ट्रेन। वेस्ट बंगाल में सबसे खतरनाक चीज़ अगर कोई है वो है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि मतलब बंदा बंदे को देखता भी नहीं, ऐसा लगता है कुचल देगा, रोन देगा। तो अभी एक लोकल ट्रेन का एक लेवल हमने पूरा कर लिया है, अब दूसरा लेवल पूरा करेंगे। एक लोकल ट्रेन और है, उसके बाद पहुँचेंगे हम दक्षिणेश्वर मंदिर। माँ काली का मंदिर है और पहले करेंगे वहाँ पे स्नान, गंगा नहाएंगे आज, है कि नहीं? अब तो नहा के आए हो। मैं गंगा नहाऊंगा अभी। संजय, हां, मैं जाऊंगा। 4 मिनट का यहां से।
भाई ट्रेन ऐसे भरता है देखो। लोकल ट्रेन में सफर करने का अलग ही मजा है। क्यों पापा? भीड़ इतना। मेरे डैडी को देख लो, अभी भी इतने भीड़ में भी ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे भी लोग, पीछे भी लोग। दक्षिणेश्वर स्टेशन। भालू दिन आए चलो। वाव पापा, आए हो यहाँ पे पहले? आए हो? पापा पहले आए थे यहाँ पर कह रहे ये सब कुछ नहीं बना हुआ था, जो भी ये बन गया है ना बहुत ही सुंदर बनाया है। ईश्वर का वो है कह सकते हैं प्रिंट। सफर में कुछ और हो ना हो पर फेस पे स्माइल जरूर होनी चाहिए, यही आपके सफर को अच्छा बनाता है। बहुत बार सुना कि इंडिया जो थी सोने की चिड़िया थी, अगर शायद अंग्रेजों ने ना लूटा होता इसको तो कुछ ऐसे ही दिखती हर जगह से। इतना सुंदर है। ना आ रहा तो आए जाने ना, अभी जा रहे हैं हम गंगा स्नान करने। सब साथ आए हैं तो सब साथ ही जाएंगे ना, बिल्कुल जाएंगे। फिर দেখি সবাই কি কবে। আর একবার ডুব দে, হয় না এই ভিডিওটা। জয় মা গঙ্গে, হর হর মহাদেব। মন্দিরে ঢুকবো, ঠিক
मेरा गंगा स्नान हो गया है, पापा भी गंगा स्नान कर रहे हैं अभी। कहाँ है पापा? चलो देखते हैं। और ये तुम्हारा भाई अभी रेडी हो चुका है गंगा स्नान करके। बताओ कैसे लग रहे हैं हम भाई? गंगा में धुल के आए हैं, गंगा में। अब तो कोई पाप रह ही नहीं गया। हर साल एक बार तो गंगा में जरूर स्नान करता हूँ मैं, और वो गंगा माँ मुझे बुलाती है तो मैं जरूर जाता हूँ। चलो देखते हैं पापा कहाँ पे है। एक तो मेरे डैडी जो है ना, अल्ट्रा ही प्रो है, वो सबसे हटके करते हैं सब कुछ। दिखाता हूँ, देखो आगे तुम्हारे भाई ने खुशती सी। अरे बारोड़ा है, बंद हो जाए। ये रे मेरे डैडी साहब, ये भी नहा के आ रहे गंगा में। देख रहे हो बॉडी का राज। बाबा इरम कर दो, एक बार इरम इरम कर दो, इरम इरम करो पूरे। ये देख लो। आ जाओ चलो। बस 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 ये गंगा स्नान करने के बाद चलो प्रसाद लेके आते हैं माता को चढ़ाने के लिए। प्रसाद ले लिया है, चलो चले अब सीधा घूमते हुए मंदिर की तरफ। शायद कह रहे हैं मंदिर में वीडियो नहीं बनाने देंगे, बाकी देखते हैं। किस्मत में हुई तो कुछ दिखाएंगे आपको, नहीं हुई तो सॉरी। मंदिर के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। एक डेढ़ घंटा लगा पूरा दर्शन करने में, पर फ़ोन नहीं लेके जा सकते थे क्योंकि कुछ कुछ सुंदरताएं ऐसी होती है जो कि नहीं दिखाई जाती, उसको देखने के लिए खुद आना पड़ता है, तो इसीलिए फ़ोन लेके नहीं गए थे। पूजा करके आ चुके हैं, अभी जूते वगैरह पहन रहे हैं सारे। चलो बाकी मैं आपको बाहर से दिखाऊँगा कि हम मंदिर में कहाँ पर गए थे और हमने कौन कौन से जगह पर कौन कौन से भगवान को देखा। कोशिश करूँगा, बाकी शायद हो ना सके। और यहाँ पर सुबह से कुछ नहीं खाया था तो अभी व्रत तोड़ रहे हैं प्रसाद खा के। आप घूमो कसौली शिमला, मैं घूमूंगा मंदिरों में। यहाँ पर जा चुके हैं, अब यहाँ से निकल कर सीधा यहाँ पर आगे। जय राधा कृष्णा। कोथा जाचे? बेलू मठ हैं जीजा? कोथा है? बेलूर मठ। ये टिकट आ गए सारे बेलू मठ के। मेरे को भी नहीं पता क्या है बेलू मठ। एडा हावड़ा ब्रिज? एडा 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 ये देखो ब्रिज, पर ये हावड़ा ब्रिज नहीं है। कैप्चर द मोमेंट्स विच इज सो मच मेमोरेबल। लॉन्च लॉन्च बोट रे बोले, वो भी बोट में चढ़ने वाले हैं जो कि लॉन्च होता है, लॉन्च बोलते हैं उसको। बोट नहीं मतलब बड़ा है। अच्छा 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 वो वाला, देखो दिखाता हूँ कुछ आपको। उसमें चढ़ने वाले हैं वो, देखो दिख रहा है। देखो वहाँ पर सारे ना वेट कर रहे हैं कि वो कब आएगा, क्या कहते हैं उसको, बोट। और यहाँ पर जीजू देखो पहुँच गए हैं सबके लिए खाना लेने के लिए। ऐसा होना चाहिए यार, जेंटलमैन कह सकते हैं, इनको कहते हैं जेंटलमैन। पूरा परिवार भूखा बैठा है पर इनका ध्यान है कि हाँ खाना लेके जाना है। मैं भी आया था कुछ खाने के लिए पर मैं तो गधा हूँ, मैं अकेले ही आ गया। मैंने भी सबके लिए मिष्टी दोई ले लिया। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
ये सब मेमोरी जिंदगी भर रहेगी कैप्चर नेट पे, कभी नहीं खत्म होगा। बस मेरा चैनल ना उड़ा दे यूट्यूब वाले। वो मेरे को माफ करना सारे, ठीक है, मेरे को लगता था मैं ही गलत होता हूँ, पर आज पता लगा मेरे डैडी मेरे से भी ज्यादा लेट होते हैं, हर चीज में लेट कराते हैं। ये देखो ये लेने गए थे अभी, चलो बस पहुंच रहे हैं, अभी लॉन्च में जा रहे हैं, मजा आएगा भाई। चलो दौड़ो, आज दौड़ने का टाइम है, दौड़ो दौड़ो, चल जाएगा फिर। और ये बोट आ गई है, इसको लॉन्च बोलते हैं, बोट नहीं बोलते, बोट छोटा होता है, मेरे को भी आज ही पता लगा। वही गोटा लोग थाएगा लो, बहुत ही बुरा हुआ उन कुछ लोगों के साथ जो नहीं आ पाए। कहे थे वहां से और ये इस साइड पहुंच गया। चलो चलो आराम से आराम से। तो पहुंच गए यहाँ पे बेलू के मार्ट में, जो एक घूमने वाली जगह है, शायद दिखाता हूँ मैं। द क्वीन, ये है वो बेलू का मार्ट, जिसको देखने के लिए इतने दूर से सफ़र करके आए हैं, बट बंद पर है। टाइम टेबल है इसका भी कुछ, 12 बजे से पहले और 3 बजे के बाद। लग रहा था ये बेलू का मार्ट कुछ होगा, छोटा मोटा सा पार्क होगा। उसके बाद जीजू कहते देख सामने देख क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको इसका नक्शा, इतना बड़ा है ये। और यहाँ पर हम पता क्यों नहीं जा पाए इन महाशय के वजह से, इन्होंने खाली लेट करा, खाली लेट करा। तो चलो ये देखो हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से एंटर करके ऐसे जाते 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 पूरा देखते। तो अभी जाते जाते जीजू कुछ बातें बोल रहे थे, तो मेरे को एक छोटी सी लाइन याद आई, अगर सब कुछ मिल जाएगा ज़िंदगी में तो दुआएं क्यों करोगे, अगर हो जाएगा मुमकिन सब कुछ तो फिर कोशिश क्यों करोगे, है ना। तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं लाइफ में, बुरा नहीं मानना, दोबारा आना, ट्राई करना, हो जाएगा। जैसे बेलू का मार्ट रह गया, हम देख नहीं पाए, बहुत ही बढ़िया था जीजू, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपने तो एक बार देख लिया, सही बात है, एट ए टाइम मौके नहीं मिलते हैं हर बार ज़िंदगी में, मुझे भी नहीं मिले कभी, बट चलो कोई बात नहीं। बहुत ही अच्छा सफर रहा, बहुत ही मजा आया, बहुत ही एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं हावड़ा ब्रिज, जो कि बंगाल की शान है, बंगाल की मान है। चलो ट्रेन देखते हैं और देख के सीधा पहुंचते हैं हावड़ा ब्रिज। रिस्क लेने से काम बनते हैं। पहुंच गए अभी सबसे ज्यादा खास जगह पे वेस्ट बंगाल के, जो कि हावड़ा ब्रिज, दिखाते हैं आपको अभी यहाँ पे पूरा भीड़ चल रहा है। ये देखो ये है हावड़ा ब्रिज, ये यहाँ से पूरा दिख नहीं रहा होगा आपको, बहुत बड़ा है ये, मतलब ये कह सकते हैं इसका थर्ड हिस्सा है, वहाँ से वहाँ तक इसके आगे भी बहुत ज़्यादा है। और बाकी ये देखो कोलकाता, कोलकाता सिटी, देख रहे हो पीछे हावड़ा ब्रिज। अभी तो कोलम होना है, क्या हुआ, थक गए हो, मैं तो कह रहा हूँ चल जाओ घर, बोलता था मैं पहले घूम लो, पहले घूम लो।
अब देखो थक जा रहे हो इतना जल्दी। पापा कह रहे अगर मैं पहले घूम लेता ना बेटा तू फिर घूम नहीं पाता, तू फिर ऐश नहीं कर पाता। ये टैक्सी देख रहे हो, टैक्सी कहीं पे नहीं चलता है, टैक्सी सिर्फ वेस्ट बंगाल में चलता है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में चलता है और कहीं नहीं चलता। और ये अभी हम हावड़ा ब्रिज की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ से हावड़ा ब्रिज स्टार्ट है, ये उस एंड तक है। इस समय हावड़ा ब्रिज के ऊपर घूम रहे हैं, काफी अच्छी हवा चल रही है, देखो ऊपर। जीजू बताओ, हम जैसों को कुछ सीख देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो? ये अंग्रेजों की बनाई हुई चीज है। हाँ। इसकी सबूत है जो उन लोगों ने कितना मजबूती से चीज बनाता था, पर आप इंडिया में जो चीज बनता है सब ऐसे ही है, सब डुप्लीकेट है। ये स्टील देखा है, अभी तक जंग नहीं लगा है इसमें, कहीं एक जंग दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते, ओरिजिनल स्टील पूरा। अब फिर जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन, हावड़ा ब्रिज तो घूम लिए, अब हावड़ा स्टेशन जा रहे हैं नीचे की तरफ। क्योंकि हमें जाना है बेलूर मठ, वहीं पे जहाँ पर हम जाके बंद हो गया था वो, तो अभी वहाँ पर जाके दोबारा से उसको देख के ही जाना है, क्योंकि पता नहीं फिर कब आएंगे। एक टाइम था जब ये इंडिया का कैपिटल हुआ करता था, अंग्रेजों के टाइम में इंडिया का कैपिटल हुआ करता था ये कोलकाता। देखो कितना भीड़ है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, ज़रूर ज़रूर, ये जीजू के जीजू हैं विद फैमिली। देखो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। जीजू गए हैं वहाँ पे टिकट लेने, टिकट लेके आएंगे तो दोबारा हम जाएंगे। अभी चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, थोड़ा थक जाओ आराम करो, फिर चलते रहो चलते रहो चलते रहो, इसी का नाम जिंदगी है, जो रुक गया वो पीछे रह गया। भीड़ किसको बोलते हैं, इस स्टेशन पे आके पता लगा। अभी फिर से पहुंच गए यहाँ पे भेलूर माटे, और अब हम जा रहे हैं इसको कैप्चर करने, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि हमारा मिस हो गया था। और कोई चीज़ को अगर खोने के बाद पाओ तो उसकी खुशी तो अलग होती है भाई। फूलों का बगीचा देखो कितना प्यारा सा है। चलो आपको एक बहुत ही ज्यादा सुंदर चीज दिखाता हूँ, ये देखो। चलो चलते हैं अंदर, देखते क्या है अंदर। तो अभी पापा जी के साथ रामकृष्ण ठाकुर के दर्शन करके आए, इस मंदिर में उनको रखा गया है। रामकृष्ण परमहंस, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसीलिए मैं दिखा नहीं पाया अंदर का कुछ, बट बहुत ही सुंदर है। आओ कभी घूमने तो कोलकाता आके जरूर देखो, घूमने वाली चीज़ है ये।
थेरेपी। इस पानी में अभी पैर रख के ऐसा लग रहा है ना, मतलब सारा थकान खत्म हो गया, फुल थेरेपी। मंदिर ही मंदिर, एक दो तीन, बहुत सारे मंदिर हैं। मैक्सिमम मंदिर के अंदर फ़ोटो नहीं खींचने देते, क्योंकि कुछ सुंदरता जो है वो जब तक छिपी रहती है तब तक ही अच्छी होती है। आए चलो आगे, चलो चलो आगे आओ, आ जाओ। हमने ऑलमोस्ट सारा घूम लिया, कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारा घूम चुके हैं हम। ये गार्डन, ये मंदिर है, सारे मंदिर घूम चुके हैं हम। और अब टाइम आ गया है ब्लॉग के एंडिंग का, कुछ मोमेंट्स और उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। बहुत ही प्यारा ब्लॉग बना है ये, मुझे पता नहीं आप सबको कैसा लगा, बट ज़रूर बताना। मैंने कोशिश करी है कि एक वीडियो में आप सबको दिखाने का ये सब। बाकी बना रहा हूँ अभी मैं, और भी बहुत चीज़ें रहती हैं, कैप्चर कर ही रहा हूँ। बाबा को था हल्का हल्का, रात हो गया, रात का टाइम अभी। मम्मी विवेकानंद के यहाँ पे फोटोज वगैरह लगी हुई हैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अभी इस प्यारे से जगह से जाते हुए पीछे रामकृष्ण मंदिर है, और सामने हमारे यहाँ का एंड जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलो इसके साथ ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा दिन रहा, बाकी अपना प्यार दिखाते रहना आप सारे, वीडियोज ऐसी बनाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।